यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के वार्ता समर्थक गुट ने अहिंसा छोड़ने, संगठन को भंग करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त करते हुए शुक्रवार को केंद्र और असम सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। अधिकारियों ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज असम के भविष्य के लिए एक सुनहरा दिन है। लंबे समय से असम ने हिंसा को झेला है, पूरे नॉर्थ ईस्ट ने हिंसा को झेला है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम करने के प्रयास हुए। मन खोलकर खुले हृदय से सभी के साथ बातचीत की शुरुआत हुई और उनके मार्गदर्शन में ही उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा। पिछले 5 वर्षों में 9 शांति और सीमा संबंधित समझौते अलग अलग राज्यों के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े हिस्से में शांति की स्थापना हुई है। रिकॉर्ड पर 9000 से ज्यादा काडर ने सरेंडर किया है और असम की मैं बात करूं तो 85% असम में से अब सपा को हटाया जा रहा है और आज भारत सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा, उसके बीच में जो ट्राइब पार्टी समझौता हुआ है, इससे असम के सभी हथियारी ग्रुपों की बात को यहीं पर समाप्त करने में हमें सफलता मिल रही है। ये असम और नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज असम के लिए और एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल में गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन में हमारा असम का जो शांति का प्रक्रिया ये निरंतर चलते रहा। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारा पास था। आज सक्सेसफुल गृहमंत्री अमित शाह जी का भेंट दिखाव में हमने बोडो एकॉर्ड किया, कार्बी एकॉर्ड किया, आदिवासी एकॉर्ड किया और करीबन 8,756 जो हमारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए युवा साथी थे सारे लोग मिले आ चुका है। तीनों एकॉर्ड का अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ और तीनों एकॉर्ड से हमारा जो ट्राइबल मिलिटेंसी था ये खत्म हो चुका। असम में आज सभी मेन स्ट्रीम में है। अल्फा एक बहुत बड़ा एजिटेशन था। धीरे धीरे अल्फा ने आर्म्स को पकड़ा। एक असम का जो 1988 से इतिहास हुआ ये इतिहास एक हिसाब से ब्लैक सेट का इतिहास रहा। काफी लोग मारा गया पूरा इस दौरान टिल 98 टिल टुडे में। एक जो हिसाब आते हैं कि ये पूरा प्रकरण में 10,000 लोगों का मृत्यु हुआ। वो इसमें इनोसेंट सिविलियन थे, सिक्योरिटी पर्सनल थे और खुद अल्फा का मेंबर्स थे। सारे लोगों मिला के 10,000। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज़।